秀丹，哎，秀丹们，सेफ्टी के लिए पीछे रहना ही ठीक है, नहीं तो विकेट डाउन हो जाएगा बॉस। चुप। हे बॉस, कैच हर। एक जमाने में अपना देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कितने महात्माओं ने अपना संपूर्ण जीवन त्याग दिया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और ऐसे कई महान स्वतंत्रता सेनानी, देश को उन्नति की राह पर ले जाने वाले लोग आज के जमाने में नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे देश के इतिहास के पन्नों में इन सभी महानुभावों की साधनाएं आज भी कभी ना मिटने वाली एक यादगार दास्तान बनी रही है। पार्टी का बी फॉर्म आपके नाम ही है। ऐसे मतलबी भ्रष्ट लोगों के सपने साकार होने की वजह है आज की राजनीतिक दुर्व्यवस्था। नमस्कार माता जी। कौन है? मैं हूँ चंद्रकांत शिंदे। वो वहाँ सो रहे हैं, जाओ। प्रणाम मंत्री जी। कौन है? मैं हूँ चंद्रकांत शिंदे। हाँ पता है पता है। बताओ क्या बात है, आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। हाँ जानता हूँ जानता हूँ। आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उस माधव राव के सर पर आपका हाथ है, ये बात किसी को मत बताइएगा। समझ गया समझ गया। ये है उस काम की दक्षिणा, पूरे 2 लाख। बेटी ये लीजिए बहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने देश की खातिर अपना सब कुछ गंवा दिया, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो देश को अपने स्वार्थ के लिए बर्बाद करने पर तुले हैं। रावण के कारण राम आया, कंस के कारण कृष्ण आया, उसी तरह राजनीति जो है मेरे लिए है। अरे इलेक्शन खत्म होने तक कोई किसी को नहीं पूछता, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद सब हमको ही भगवान मानते हैं। चंद्रकांत जी की जय। चंद्रकांत जी की जय। चंद्रकांत जी की जय। हाँ हाँ, अगर हम थोड़े और पैम्पलेट्स बांटते तो अच्छा रहता ना साहब। गधा कहीं का, तुम्हारे सुबह बांटने वाले पैम्पलेट से ज्यादा हम रात को पैसे बांटते हैं उसका वजन ज्यादा है। किसका? पैसे का। हर गली मोहल्ले में जाकर, घर घर में पैसे, कपड़े, शराब सब बांटो, फिर हम कैसे नहीं जीतेंगे, मैं भी देखता हूँ। मध्यपान के लिए मना कर गए गांधी जी जैसे लोगों के इस देश में शराब और पैसे बांटकर वोट पाने वाले ऐसे भ्रष्ट नेता जनता के रक्षक कैसे बन सकते हैं? अगर आज गांधी जी जिंदा होते तो अहिंसा का पाठ पढ़ाना बंद करके हिंसा के रास्ते को अपनाकर शायद ऐसे देशद्रोहियों को गोली मार देते। इस तरह जहाँ इस देश को ऐसे लोग अंधेरी राह पर ले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस देश के बच्चे उस अंधेरी राह पर रोशनी की तलाश में निकलते हैं। इसका नाम श्याम है। ये एक अनाथ लड़का है, लेकिन वो अनाथ है ऐसा उसे कभी महसूस नहीं हुआ, और इसकी वजह उसकी ये बहन है। इसके लिए इसका ये भाई सब कुछ है। एक धूप है तो एक छांव है, एक पेड़ है तो एक पौधा है। खुद भी दिन रात मेहनत करती है और अपने पिता के भी आने वाले पेंशन के सहारे खुद भी पढ़ रही है और अपने भाई को भी पढ़ा रही है और एक उज्जवल भविष्य का सपना बुन रही है। अबे ओए, वो कबड्डी खेल रहे हैं, चले क्या? कबड्डी 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 कबड्डी। अपने लोगों के साथ खेलोगे तो क्या मजा आएगा, हमारे साथ खेलो। कबड्डी 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 कबड्डी। दीदी
आने दे आने दे छोड़ना नहीं उसको। कबड्डी 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 कबड्डी। श्याम श्याम क्या हुआ तुझे? श्याम बोलना क्या हुआ तुझे? सब कबड्डी खेल रहे थे, वो जबरदस्ती घुस आया। छोटे बच्चों के साथ खेलने आ गए, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? अगर तुम लोगों में इतना ही दम है तो अपने बराबर के लोगों के साथ खेलो ना। हमारी बराबरी का यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। अगर तेरे में हिम्मत है तो तू हमारे साथ खेल के दिखा। क्यों वीरा, कबड्डी खेलने की हिम्मत नहीं है क्या? तू चाहे किसको भी ले ले, हम बिंदास खेलेंगे। यहाँ लंगड़ी नहीं खेलनी है, कबड्डी खेलनी है, कबड्डी। क्या हुआ, डर गई क्या तू? कबड्डी 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 कबड्डी। जिसे बकरी समझा वो साली शेरनी निकली। बेटा छोड़ना नहीं इसे, संभल कर। कबड्डी 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 कबड्डी। कितना टाइम हो गया, वो कहाँ है? लगता है आज शेर अपनी गुफा से बाहर नहीं निकलेगा। अरे शेर का तो पता नहीं, लेकिन उस तरफ देखो लोमड़ी आ रहा है। सब पत्रकारों को इस लोमड़ी बनारसी लाल का नमस्कार। नमस्कार। देखिए हमारे होम को होम से बाहर आने में और 10 मिनट लग जाएंगे। और 10 मिनट क्यों? देखिए बात दरअसल ऐसी है कि आज शुक्रवार है, 10:30 से 12 बजे तक राहु काल है। जैसे ही 10 मिनट में राहु काल खत्म हो जाएगा हमारे सर हाजिर हो जाएंगे। अरे सर, एक होम मिनिस्टर का कर्तव्य निभाने के बजाय राहु काल बताकर बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसा करने के लिए आप ही लोग मजबूर करते हैं। हम और नहीं तो क्या, जैसे ही हम टीवी चैनल चालू करते हैं तो क्या देखते हैं, सामने पंडित महाराजाओं की फौज नजर आती है। 100 साल एडवांस जमाना जा रहा है और हमें 100 साल पीछे ले जाने की पट्टी पढ़ाते रहते हैं। राशि, गोत्र, नक्षत्र, पंचांग के नाम पर हमारी जिंदगी को उल्टा पुल्टा करके रख दिया है। राहु काल के समय नहाइए मत, राहु काल के समय खाइए मत, राहु काल के समय बाहर मत जाइए, यहाँ तक कि संडास भी जाने के लिए मना करते हैं। इनकी वजह से सारे एंटरटेनमेंट चैनल न्यूज चैनल बन गए और न्यूज चैनल क्राइम चैनल बन गए हैं। क्राइम चैनल? और नहीं तो क्या सर, प्राइम टाइम में अगर क्राइम दिखाएंगे तो और क्या होगा। पहले बच्चों को सुलाने के लिए लोरियां गाकर सुनाई जाती थी, लेकिन अब 2-4 क्राइम स्टोरी सुनने के बाद ही बच्चों को नींद आती है। ऐसे में मंदिर ले जाकर हाथ जोड़ने के लिए कहेंगे तो बच्चे हाथ जोड़ेंगे क्या? हो ही नहीं सकता। वो क्यों? अब क्या बताएं आपको, आजकल टीवी में सभी भगवान को कार्टून बनाकर दिखा रहे हैं ना, भगवान को देखते ही बच्चे कॉमेडी करना शुरू कर देते हैं। आप बड़ा अच्छा मजाक करते हैं। हाँ, मजाक करते ही लोग सीरियस हो जाते हैं और सीरियस होने पर उनका बहुत बड़ा मेगा एपिसोड बना देते। ओहो, हमारे साहब आ गए। बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है ये, मैं जानता हूँ प्रेसिडेंट साहब, मैं बस निकला ही था, लेकिन फिर हुआ ये कि टीवी पर ना हमारी जाति के स्वामी जी कुछ अजीबोगरीब चीज बता रहे थे। वो ना बुद्धम शरणम गच्छामि बोलकर चुप रहने के बजाय कुछ अनाप शनाप बक कर मुसीबत में फंस गए। अरे साहब निकल चुके हैं, आप जल्दी पहुंचिए सर। हाँ ठीक है 10 मिनट में आ रहा हूँ। साहब जी टाइम हो गया है, चलिए जल्दी चलिए, ऊपर से न्यूज वाले भी रास्ता देख देख के गरम हो गए हैं। सर 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 सर, आज की मीटिंग में आप और सीएम साहब किस तरह का निर्णय लेने वाले हैं? लेंगे हम ही लेंगे, सही और उचित हमें ही निर्णय लेना होगा। सर ये समस्या इस राज्य की है, ये जानकर बहुत दुख हो रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? राज्य की समस्या, घर की समस्या या कोई भी समस्या हो, हमें परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए। हौसले बुलंद कीजिए, समस्या दूर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। चलता हूँ। ये क्या कह गए सर? जरा शांति से काम लीजिए। सर लगता है ये क्रांति लाएगी। ऐसे मुश्किल के समय में हो रहे काम के बारे में आप क्या कहेंगे सर? काम देखिए, ये काम जैसी चीज है ना, उसे कभी भी मन से बाहर नहीं लाना चाहिए, वरना उससे बड़ी परेशानी हो जाती है। हाँ? अरे साहब जी, हाँ? वो उस काम की बात नहीं कर रही है, मेट्रो के काम की बात कर रही है। ओ मेट्रो। हाँ? मेट्रो, अपना मेट्रो है ना, हमसे बांट लो,
जय भारत माता की। होम मिनिस्टर चंद्रकांत जी की। चंद्रकांत जी की। रुको रुको रुको, लाइन के पीछे रहो, लाइन के पीछे रहो। अरे आप भी मीटिंग पे आ रही हैं? क्या करूं, वैसे भी लोग बार बार मीटिंग मीटिंग बोलकर परेशान करते रहते हैं। ठीक है चलिए। और थोड़ी देर में इस मीटिंग में सीएम साहब भाग लेने वाले हैं। देखते हैं इस मीटिंग का नतीजा क्या निकलता है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो हमारी जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अरे भाई, और कब तक इंतजार करेंगे? इस तरह परेशान मत कीजिए, कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? बोलिए, चुपचाप रुके रहिए। आपके सारे सवालों के जवाब मीटिंग के बाद दिए जाएंगे। नाउ नो मोर क्वेश्चंस, प्लीज मूव। जब तक होता मीटिंग करते रहते हैं। मिनिस्टर के बेटे की शादी होती है तो ट्रैफिक जाम होता है, जन्मदिन होता है तो ट्रैफिक जाम होता है, हर बात के लिए ट्रैफिक जाम करते हैं। 10 मिनट शांत रहिए, परेशानी होती है। कह रहा हूं ना, 10 मिनट शांत रहिए। जाने दीजिए, ये तो रोज का नाटक हो गया। लोगों को कैसे लूटना है इसकी मीटिंग करते रहते हैं। बात सुनिए जरा, शांत रहिए ना। क्या सुनना है? ऐसी मीटिंग से आज तक किसी का भला हुआ है क्या? जो हमारा होगा। चलिए चलिए, जाइए। पार्टी ऑफिस से ज्यादा है तो ये कोठा लग रहा है। ये क्या, आप तो जंगल पर नजर ही नहीं डाल रहे हैं। अरे अफसरी इलाका दिया है ना। मुझे अफसरी इलाका नहीं चाहिए, जंगल का इलाका चाहिए। साहब का दिमाग थोड़ा गर्म चल रहा है, मैं बाद में उसे बात करके दिला दूंगा। जल्दी दिलाइए ना। ठीक है, हाँ हाँ। तन मन से ही नहीं, धन भी अच्छी तरह बटोरना आता है। ब्लूटूथ से मुझे भी भेजिए ना। हाँ भेजता हूँ, बहुत अच्छी लगी तुम्हें क्या? आहा, बहुत अच्छे। अगर मीडिया वालों ने देख लिया तो ब्लूटूथ ही नहीं, तुम्हारे सारे टूथ तोड़कर हाथ में दे देंगे। ये देखकर भारत माता क्या सोच रही होगी। मैं तो कहता हूँ हमारा देश बहुत बदनसीब है। अरे सीएम देखिए ना, ये भी कितना अच्छा है ना। हाँ पार्वती, अपनी बेटी को ना जेवर नहीं भी पहनाएंगे तब भी वो महालक्ष्मी ही लगेगी। हेलो, चलिए उठिए, थाने चलिए। हमने क्या किया है जो आप हमें इस तरह थाने बुला रहे हैं? सर, आप जाली नोटों का धंधा करते हैं इसलिए। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ए, तुमने जो 3 लाख रुपए मुझे दिए हैं उसमें से 50,000 रुपए तो नकली हैं। हमारी बेटी की शादी के लिए एक जमीन थी वो भी बेच दी, और मेरे पास कुछ पैसे थे उन्हें मिलाकर हम ये जेवर खरीदने आए थे, मगर इसमें नकली नोट कहाँ से आए मुझे बिल्कुल पता नहीं है सर। नहीं पता, नहीं जानते कि जानकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो तुम। अरे अरे सर, हम ना शरीफ लोग हैं, शराफत की जिंदगी जीते हैं सर। अपनी जान दे देगी लेकिन अपना ईमान नहीं बेचेंगे। तुम जैसे मैंने बहुत सारे लोग देखे अपनी जिंदगी में, तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाला। थाने ले जाकर मारूंगा ना तभी सच्चाई बाहर आएगी। चल चुपचाप चल। तुम जैसे बहुत से लोगों को मैंने ठीक किया है। चल, साला नकली नोट छापता है। चल। सुबह ज्वेलरी शॉप में लाखों के जाली नोट बरामद हुए, और इस सिलसिले में पुलिस ने एक दंपति को हिरासत में लिया। ये नोट इसी दंपति के हैं या नहीं ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है। इधर कनकपुरा रिसोर्ट में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने कई कारों की तलाशी ली, और आखिरकार एक कार से करोड़ों रुपए के जाली नोट बरामद हुए। कार का मालिक कार छोड़कर भाग गया है, और अभी तक इस केस की तहकीकात जारी है। इस घटना पर हमारी नज़र बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। बाबा मुझे माफ करना,
आप जैसे अच्छे और ईमानदार इंसान के माथे पर इस बुरे समाज ने जो दाग लगाया, मुझे बहुत ही बुरा लगा। पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती हुई, उसे मैं भुला नहीं पा रही हूँ बाबा। मेरी मौत की वजह कोई इंसान नहीं है, इस समाज में होने वाले काले धंधे हैं, और इन काले धंधों ने मेरे सारे सपनों की जान ले ली बाबा। सुनिए मैडम, मैंने कुछ बात सुनिए मैडम। सत्ता में होने वाले एक मंत्री जी के अस्पताल से हमें ये सूचना मिली है कि नाते मैं जनता की सेवा करना अपना धर्म समझता हूँ। मैंने इतना बड़ा अस्पताल जो आजकल नकली नोटों का कारोबार बड़े जोरों शोर से चलने की वजह से समस्या काफी बढ़ती जा रही है, और इस समस्या के चलते वहाँ एक दुखद दुर्घटना घटी। आइए देखते वहाँ क्या हुआ। मैडम यस, ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ जमा करने? कैश काउंटर वहाँ पर है। प्लीज सर, जल्दी से एंट्री कर दीजिए सर। सर यही है सर। हेलो, क्या ये 30,000 रुपए में से 10,000 रुपए नकली है? ये आप क्या कह रहे हैं सर, अभी अभी तो एटीएम से निकाल कर लाया हूँ सर। एटीएम से लाए हो या फिर किसी? देखिए भाई साहब, मैं अपनी बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं अभी अभी एटीएम से निकाल कर लाया हूँ। ठीक है ठीक है, इसे बदल कर बाकी के पैसे। सुनिए सर एक मिनट, आप चाहे तो ये अंगूठी रख लीजिए। हेलो, मैं मारवाड़ी हूँ क्या गिरवी रखने के लिए? आप ही इसे कहीं गिरवी रखिए और पैसे जल्दी से लेकर आइए। पहले ही काफी देर हो चुकी है सर। अगर और देर करोगे ना तो अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो दोगे, समझे? सर सर सर, मैं पैसे लेकर आया हूँ सर। आप कहाँ चले गए थे? अभी 5 मिनट पहले ही आपकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, आइए। सुनिए, आप मुझे बचा लेंगे ना? मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे आपके साथ रहना है। लक्ष्मी, लक्ष्मी! अरे वहाँ क्या हुआ? हौसला रखिए, हौसला रखिए, हाथ हटाइए। आप लोग इंसान नहीं है। जनता की सेवा के नाम पर हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल के जरिए लोगों को लूटने का बिजनेस कर रहे हैं आप लोग, बिजनेस कर रहे हैं। ये कैसा देश है, ये कैसा समाज है, ये कैसी व्यवस्था है? हम यहाँ के नागरिक हैं, हम पर राज करने के लिए हम ही द्वारा चुने गए लुच्चे लफंगे, लोगों का खून चूसने वाले भ्रष्ट, भ्रष्ट नेता हो तुम लोग, भ्रष्ट नेता हो। क्या कर सकते हैं, हाँ क्या कर सकते हैं हम लोग? बैंक के एटीएम से नकली नोट निकल रहे हैं, ऐसी ऐसी बुरी व्यवस्था का निर्माण किया है तुम लोगों ने। ये सब क्या हो रहा है? आज मैं इस व्यवस्था का शिकार हो गया हूँ। मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया, अपनी पत्नी को खो दिया है मैंने। अब मैं किसके लिए जीऊंगा, किसके सहारे जीऊंगा? मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया। लक्ष्मी, मुझे क्षमा कर दो लक्ष्मी। ये जाली नोट पता नहीं और कितनों की जान लेगा। बहुत से शहरों में जाली नोट लाखों की तादाद में चल रहे हैं, ये देखते हुए भी सरकार खामोश बैठी हुई है, और इसीलिए युवाओं में बहुत आक्रोश है। आप जैसा समझ रहे हैं, हम कोई अपनी आंखें बंद करके नहीं बैठे। इस जाली नोट के धंधे को पेड़ से मिटाने के लिए। पेड़ से मिटाने के लिए नहीं, जड़ से मिटाने के लिए। हाँ वही वही, जड़ से मिटाने के लिए हम बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी ये चल रहा है। हम कर क्या सकते हैं? जड़ से मिटाने की क्या बात कर रहे हैं, आप तो खुद ही उसकी जड़ हैं। आप तो घुमा फिरा कर हमारे ऊपर ही कीचड़ उछालते रहते हैं। नकली नोट का प्रिंट करने का धंधा जैसे मैंने ही घर में बिठा रखा है। बहुत बड़ा बेवकूफ है ये, समझता है कि लाइट ऑफ कर लेगा तो किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इस जमाने में बच्चों को पीने के लिए जो दूध मिलता है वो भी नकली है, स्कूल में मिलने वाला खाना वो भी नकली है, कॉलेज में बैठने के लिए सीट वो भी नकली है, और तो और एग्जाम में बैठने वाले बच्चों को क्वेश्चन पेपर भी नकली मिलते हैं। इलेक्शन की ही बात कर लीजिए, हम और आप जो लोगों में बांटते हैं वो दारू भी तो नकली होती है ना, हाँ? एक बॉटल देकर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, और 2 बॉटल देकर आप वहाँ बैठे हुए हैं। हर काम तो नकली ही हो रहा है, तो नोट नकली निकले तो क्या हुआ? शर्म नहीं आती आपको ऐसी घटिया बातें करते हुए? हाँ हाँ क्यों नहीं, एक चीफ मिनिस्टर को
उनके अपने कामों के अलावा बाकी सभी के काम चीफ ही लगते हैं। आप जिस जगह बैठे हैं वहाँ ऐसी बातें सुनाना बहुत आसान है, लेकिन सीएम की कुर्सी पर बैठकर ऊपर जवाब तो मुझे देना पड़ता है। वो कितना मुश्किल है आपको क्या पता, ये तो मुझे पता है। सुनिए, आपके सर पर हथौड़ा है, इसीलिए हमारे घर में घुसकर तोड़फोड़ मत कीजिए। आप लोगों का जवाब नहीं दे सकते तो सीट छोड़कर हट जाइए, हम आपकी सीट पर बैठकर जवाब दे देंगे। मिस्टर चंद्रकांत शिंदे, आप जानते भी हैं आप किससे बात कर रहे हैं। शांति से अपनी जगह पर बैठ जाइए। सीएम बनकर जन सेवा करूंगा ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। पहले पार्टी के मेंबर्स की धन सेवा होनी चाहिए, अगर वो है तो हम हैं और हम हैं तो जनता है। बोलो भाइयों। बिल्कुल सही है। क्षेत्र के अनोखे खेल को अंदर रखकर कैसे खेलना है मुझे अच्छी तरह पता है, और बाहर किसी के आंसू कैसे पोंछने हैं ये भी पता है। एक जमाने में दादागिरी, बाद में चमचागिरी करके ही हम सबों ने मंत्रीगिरी करने की पदवी प्राप्त की है। ए सीएम साहब, हमारे मन में भी सीएम बनने की भरपूर इच्छा है और हमारे पीछे जनता का भरपूर सपोर्ट भी है। बोलो भाइयों। हाँ, होम मिनिस्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपना काम बनता बाढ़ में जा जनता ये सोचे। जाली नोटों के धंधे पर रोक लगाने के विषय पर इकट्ठा हुए मंत्री इस पर सुझाव देने के बजाय सीएम की कुर्सी के लिए री इलेक्शन कराने की मांग कर रहे हैं। पता नहीं क्या समझते हैं, कुर्सी क्या मिल गई, अपने बाप का राज समझ बैठे। अगले इलेक्शन में बताता हूँ। Within 15 minutes, I'll be there. सुनने में आया है कि जाली नोटों के धंधे में बहुत बड़ा गिरोह है, यहाँ तक कि होम मिनिस्टर भी इसमें शामिल है। ये जानते हुए भी ठोस सबूत और गवाह ना होने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे। ये जाली नोट जो हैं, वो यहाँ पर विदेश से सप्लाई हो रहे हैं और इस बात की हमें इन्फॉर्मेशन मिली है सर। मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। ये केस मैं आपको सौंप रहा हूँ। थैंक यू सर, मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। जी, मैं तो कहता हूँ आपने जो किया ठीक नहीं किया। किसी और का पता पूछकर जाने वाली मुसीबत को अपने घर का पता बता दिया। बेकार में सीएम के साथ बिना सोचे समझे बात करके खामखा पंगा मोल ले लिया। मैंने फिजूल की बात करके वक्त बर्बाद किया ऐसा मत समझना। इसके पीछे क्या उद्देश्य है मुझे पता है। ये कलयुग है बेटा, राम राज्य खड़ा करके कोई फायदा नहीं, रावण राज्य में ही फायदा है। इस राज्य का अगला मुख्यमंत्री मैं हूँ, मेरे साथ ईमानदारी से काम करेगा तो फायदे में रहेगा। साहब जी, आप बिल्कुल शक मत कीजिए, ईमानदारी के मामले में कुत्ता भी मेरा नाम सुनकर शर्मा जाता है। अगर आप शरीर हैं तो ये नाचीज आपकी छाया है साहब जी, आप देखते रहिए, वक्त आने पर ये बनवारी लाल आपकी इज्जत लुटाकर अपनी इज्जत बचाएगा। अरे मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ साहब जी। ये राजनीति है, देखता हूँ धूल बना रहेगा या त्रिशूल बनकर घात करेगा। ये सब छोड़िए साहब जी, आगे क्या करने के बारे में सोचा है आपने? नया दल बनाने की बात कर रहे हैं आप, एमएलए को मंत्रियों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ये मुझे अच्छी तरह पता है, माल होगा तो ताल से ताल मिलेगा। मैंने घोटाले कर करके जो रुपए इकट्ठे किए है ना, वो काफी नहीं है मैं जानता हूँ। तो फिर आप क्या करेंगे? वो है ना मेरा धर्मात्मा। हाँ?
brother. Hi. You rock. See ya. एक बार किसी टारगेट पर एम लगाओ तो मिस नहीं होना चाहिए। हाय जैकी, वेयर आरडी? एलेक्स बॉस, हेलो बॉस। आरडी के घर आ। हाँ, मैं आरडी के घर जा रहा हूँ। या या, I'll be there in just few minutes। या या। या। मुशी पुशी, who is there? क्या मुशी मुशी कर रहा अंग्रेज की औलाद? मैं तेरी दादी हूँ लंगूर। इतना गिरकर बोल रही है, मतलब यकीनन तू मेरी दादी अम्मा है। फुल ऑफ शुगर। तू ठीक तो है, कब्रिस्तान का फूल। कब्रिस्तान का फूल, व्हाट इज दैट सांता? और नहीं तो क्या, तेरा बाप पैदा हुआ उसका बाप मर गया, तू पैदा हुआ तेरा बाप मर गया, जब तेरा बेटा पैदा होगा तब तू मरेगी ना। मैं भला क्यों मरूंगी रे काला बंदर। ओहो, मरने से पहले तू अपना वॉल्यूम बहुत बढ़ा रही है, सीधा मैटर पे आ जा। ए, ज्यादा बोलेगा ना तो फोन में घुस के मारूंगी। अपने पीछे तो देख ले। पीछे कोई तो नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं था गधे की दुम। तू ना 15 साल पहले बिना चड्डी पहने खड़ा था ना, तमीडी पहनकर जो पकड़ कर लेकर गई थी। अरे बाबा तेरी उंगली, 15 साल से तू आएगा आएगा इंतजार करती रह गई, अब वो ना वहीं पर आ रही है तुझे पकड़ने। ए दादी, तू इस एज में गैप देके बात करेगी तो वो भी डबल मीनिंग में लगेगा, सीधा मैटर पे आ जा। अरे वही रे तेरी गर्लफ्रेंड, बचपन वाली मालिनी अय्यर। मालिनी अय्यर, जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था तब रोज लंच में मुझे इडली सांबर लाकर खिलाती थी, और चम्मक छलो, वो कहाँ है? पैदा भले ही उसे माँ बाप ने किया हो लेकिन वो कहती है कि मरेगी तो तेरे साथ ही, रिस्क लेके फिक्स करके फ्लाइट पकड़कर सीधा आ रही है। तू जल्दी से जाकर उस बच्ची को हंसी खुशी घर लेकर आ जा। आहा, तेरे मुंह में दुनिया भर के घी शक्कर, तूने बहुत सॉलिड न्यूज सुनाई है। अब जल्दी जा रहे लोफर। लगता है जब तक तू मरेगी नहीं तेरे मुंह से गालियां निकलना बंद नहीं होगी। थैंक यू। वही तोते जैसी नाक, फॉरेक्स खा खा के बच्चे के फूले में गोल मटोल गालों की तरह तुम्हारे घर बिल्मा प्यारा है, वही नशीली आंखें, माला काला काला। भूल गए क्या, मैं कहीं भी जाती थी तो तुम मेरे पीछे चले आते थे, तब सब लोग माला का काला बुलाते थे तुम्हें। ऐसे बुलाते थे क्या?
ठीक है बुलाने दो। अच्छा माला, जंगल से कोई भटक गया उस तरह तुम्हारी लेटे बाहर क्यों निकली हुई है? उसने अच्छा पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलाई जा सकती, ये क्या कुत्ते को बुला रही हो? नहीं नहीं मुझे तुम्हारी कविता अच्छी लगी है। पासपोर्ट के बिना फॉरेन नहीं जा सकते, गाय से कस्टमर तक डायरेक्ट सेल होने वाली दूध की तरह हो तुम, और जाल बिछाए तुम्हारा इंतजार करने वाली मकड़ी की तरह हूँ मैं, अगर हम दोनों का संगम हो गया ना। तुमने मुझे मारा? नहीं तो सिर्फ टच किया। यहाँ पे लोग मुझे छूने से भी कतराते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक डॉन हूँ। डॉन 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 हो? डरो मत, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ डार्लिंग हूँ, आउटसाइडर्स के लिए मैं डॉन हूँ। इधर आओ, लगेज उठाओ। Are he slaves? No way. Hey, you two, come take luggage. माला, वहाँ फ्लाइट उतर रही है देखो। कहाँ? My girlfriend from India, prestige going down. Please do work with me. I'll give you more money. Okay? Please, please, please. Okay? कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। Hey, मैं तुम लोगों को हुक्म दे रहा हूँ, जल्दी आओ यहाँ, take this. And that, Mala, get in the car. क्या कार? किसकी है? और किसकी है मेरी? कहाँ पे चली गई? हाय। Hey, don't laugh. She is my would-be wife. करके गाड़ी चला रही हुआ माला। ये BMW है, हाथ गाड़ी नहीं है। अम्मा अम्मा कोई दा व्हाट हैपेंड अम्मा? अबे गटर में क्यों उतारा मुझे? आर्टिफिशियल एयर फ्रॉम माय माउथ। लिप टू लिप देने के लिए मैं मिला था तेरे को क्या? माल माल माला क्या देख रही हो? कितनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग में तुम अकेले रहते हो? इतनी बड़ी बिल्डिंग में मेरा छोटा सा अपार्टमेंट है। माला गाड़ी को प्लेन की तरह चलाए, लेकिन एड्रेस जाने बिना तुम यहाँ कैसे आ गई? एड्रेस जाने बिना मैं इंडिया से हांगकांग आई ना, यहाँ भी वैसे ही है। ए ब्रिंग द लगेज। धंटनाइंग माला राइट लेग रख के कम इनसाइड। स्टूपिड फेलोस, ही इज डूइंग टू मच। डोंट वरी, व्हेन टाइम कम्स ही विल बी स्क्रू। इसे अपना ही घर समझना। कितना अच्छा है। मेरा ही है। कितनी बड़ी टीवी है। वो भी मेरी है। समंदर। अरे वो भी मेरा है। मेरा मतलब है उसको मैं लीज पर लेने के लिए सोच रहा था, इसलिए मेरा कहा, और कुछ नहीं है। हाँ अरे वाह, ये मूर्ति कितनी अच्छी है। कौन सी? ओह ओ मेरी है। कुछ तो जलने की बू आ रही है। उन दोनों चाइनीज को तुम्हें मेरे साथ देख के जलन हो रही, उसकी बू आ रही है। वो तो यहाँ नहीं है। नहीं है? मैंने तुम्हारे पीछे जो रेडियो है ना उसे ऑन किया, तब से ये बू आ रही है। अरे ये तो मेरी जल रही है, इसकी बू आ रही है। No! AM, come in the comeback me. Leu cha chua na ma sedang kwai. Bidai no dai pai. Oh my god. Oh my god. Shit. अरे मैं तो अपने बड़े भाई के रूम में हूँ। Oh my god. Oh my god. Hey Joe. How was your night? I am very sorry bro. It's okay Joe. मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है ब्रदर। मैं अपने आप से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपके बेडरूम में, वो भी आपकी गर्लफ्रेंड के साथ। Hey, why are you worried? No, brother. I was really upset last night.
रात को डेजी को मैंने प्रपोज किया, शी रिजेक्टेड मी। उस गुस्से में मैं बहुत पी गया, इसलिए इसीलिए रात में मैं आपकी गर्लफ्रेंडों के साथ। आई एम रियली सॉरी ब्रदर। मुझे तो गर्लफ्रेंड बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन भाई तू तो सिर्फ एक है, तू तो मेरी जान है मेरे भाई। बी कूल मैन, लेट्स गेट रेडी एंड स्टार्ट ए न्यू लाइफ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके नमस्कार नमस्कार। ये वोट देने वाले लोग नहीं हैं। छे, नमस्कार भी बेकार गया। वेलकम मिनिस्टर। नमस्कार, आरडी कहाँ है? आरडी लॉन में बैठे। अच्छा, वहाँ आइए आइए। नमस्ते सर, मैं उनका लेफ्ट हैंड हूँ सर। ठीक है, तुम्हारे बारे में कुछ जरूर करेंगे सर। हेलो आरडी। कौन हो मिनिस्टर? आजकल तुम दिखाई नहीं देते, कैसा चल रहा है दरबार? ओ आरडी, रुकिए सर, मैं साफ कर देता हूं सर। इस होम मिनिस्टर की कुर्सी पर मैं अपनी साइज एडजस्ट कर करके तंग आ चुका हूं। अब सभी लोग मैं ही सीएम बन जाऊं ऐसी रट लगाए बैठे हैं। मैंने मास्टर प्लान बनाया है जिससे सीएम की कुर्सी मुझे ही मिलेगी। मिलेगी सर। उसके लिए तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? काम की बात करो। इलेक्शन का समय नजदीक आ रहा है, यही चांस है मुझे सीएम बनने के लिए। कम से कम मुझे 100 MLA का सपोर्ट चाहिए, और इतने सारे लोगों पर मैं खुद ही पैसा लुटाकर पूरे स्टेट में नई पार्टी के नाम से उन्हें खड़ा कर रहा हूँ सर। 100 MLA से काम नहीं चलेगा सर, आपको फिर से कोई नया आइडिया मिल सकता है, उस पे काम करना पड़ सकता है। कुछ 10-20 और जोड़ के शुरू कीजिए सर। तुम्हें अपना राइट हैंड बनाऊंगा पक्का। वैसे तुम मुझसे क्या चाहते हो? इतने सारे MLA को जिताने के लिए मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए, और वो 1000 करोड़ ओरिजिनल नोट होने चाहिए। 1000 करोड़ ओरिजिनल? हाँ भाई, नकली नोट तो एकदम नहीं। तुम्हें मैं कोई मारवाड़ी लगता हूँ क्या? मारवाड़ी से पैसे लेने होते तो यहाँ क्यों आता? तुम्हारे सीएम बनने से मुझे क्या फायदा होगा? ये कैसी बात कर रहे हो आरडी? मैं सीएम बन गया तो पूरा स्टेट तुम्हारा, तुम पर जितने केस हैं वो बंद करवा दूंगा। इतना ही नहीं, वहाँ जो महल है ना वो भी तुम्हारे नाम पर लिखवा दूंगा। फिर तुम बिंदास वहाँ अपना राज चलाना, एक महाराजा की तरह तुम जान से रहना। ये क्या आरडी, असली नोट कहा था फिर भी नकली लेकर आ गए। मिस्टर विजडम। मॉर्निंग आरडी। मॉर्निंग। कन्वर लाल बोलो। कन्वर लाल। सॉरी सर। चंद्रकांत, ये एक बहुत ही एडवांस मशीन है, डुप्लीकेट नोट है, पता भी नहीं चलेगा। सो किसी एक ने भी जाकर प्रूव किया तो मैं खुद जाकर सरेंडर हो जाऊंगा। वैसे इस मशीन से 1000 करोड़ रुपए छाप सकते हैं क्या? इस मशीन से सिर्फ 1000 के नोट ही प्रिंट कर सकते हैं। हमने पहले भेजा था ना, वैसी मशीन नहीं है ये। क्यों, एक से काम नहीं चलेगा क्या? इट इज प्रोग्राम्ड मिनिस्टर। मतलब? तो मैं 1000 करोड़ छापने जितनी मशीन मैं भिजवा दूंगा। भाई सर, आपके बांटे हुए पैसे डुप्लीकेट है, ये जनता को पता नहीं चलेगा सर। सॉरी सर, मेरा फोन बज रहा है। हेलो, फ्रॉम दिस साइड गोविंद स्पीकिंग, फ्रॉम दैट साइड हु इज स्पीकिंग? मालिनी स्पीकिंग। हे मल्लू, व्हाई यू आर कॉलिंग दिस टाइम? मैं यहाँ अकेली हूँ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? मालू, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? इतनी दूर अकेले कैसे आओगे? वेट देयर, आई एम कमिंग। वेट वेट। ए माला, क्या छुपा रही हो? वॉच। कितने की है? 200 रुपए की। 1.5 लाख की वॉच इधर है। अपने गांव से तुम्हारा अच्छा हो इसलिए मैं पूजा करके ये तुम्हारे लिए लेकर आई थी। कितनी भक्ति है, सती सावित्री भी फेल है। नहीं चाहिए, पहना। अच्छा वक्त आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है।
आ रहा। गुड। कवर खाली है, गन नहीं है। तुमने वॉच क्या पहना है? मुझे मेरी गन याद आ गई। गुड, वेरी गुड, कम ऑन। कल मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हें काम की पड़ी है। माल, अब क्या बताओ मैं, आज डायमंड की नीलामी होने वाली है। दुनिया भर के बड़े बड़े डॉन वहाँ पे आने वाले हैं। इतने सारे डॉन के बीच में तुम रहोगे क्या? वैसे मैं किसी डॉन से कम हूँ क्या? तुम्हें नजर ना लगे। ये क्या टूटने की आवाज आई? तुम्हें अब तक नजर नहीं लगी है। ओके, नजर लगवा के आता हूँ। Gentlemen, I'm happy you people are here on time. We have great businessmen here to bid for this diamond. Let me tell you, from left, South Africa, Atta. From Nigeria, Mugambe. From Hong Kong, we have RD. From Saudi, Al Rasul Beck. From Korea, Mr. Wu. And from America, we have Peter. All right, let me tell you about the diamond now. Gentlemen, this diamond belongs to Congo, a place in South Africa. It weighs around 11,860 carats. Bidding starts with nominal amount of $50 million. Wow, Mr. Atta, $65 million. Mr. Al Rasul Beck, $70 million. Mr. RD, $100 million, going once, going twice, gone. The prestigious diamond from Congo now belongs to Mr. RD. Thank you, Mr. RD, for transferring $100 million. Hello. Congratulations, Mr. RD. Thanks, sweet lady. Your voice is sexy. Oh, really? Yeah. Hey, गधे की तुम। Hey, कौन है तू? शक्ति से नजर मिलाने की शक्ति नहीं है तुझ में। Anyway, thank you for your bidding. तूने जो diamond bid किया है, वो बहुत ही जल्द मेरे पास होगा। हिम्मत है तो diamond को save कर, या फिर मुझे face कर। शायद तू पागल है। कुछ ही सेकंड में वो मेरे पास होगा। Really? We will see. जय सूर्य जय सिद्ध ज्वाला को जय सिद्ध जला के जालिम को तू बदले की आग से सच तेरे साथ है विजय तू होगी तू इस युद्ध में
सर 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 डोंट शूट ही इज आरडी। He is a very big business magnate in Hong Kong. Hmm. And I am Raghuveer Singh, Commissioner of Police, North Zone, Bangalore. Yeah, Mr. Hardy, हम पुलिस वाले हैं। हमारे पास तो गन होनी ही चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमारी हमेशा क्रिमिनल के साथ जंग तो होती ही रहती है, लेकिन एक बिजनेसमैन के हाथ में लैपटॉप होने की बजाय जान लेने वाली गन दिख रही है। आश्चर्य हो रहा है मुझे। गुड क्वेश्चन कमिश्नर। आपकी नजर तो आपके डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में होने वाले क्रिमिनल्स पर अक्सर होती है, लेकिन उन्हीं क्रिमिनल्स की नजर जो है वो हमारे अकाउंट पर होती है। कभी कभार मुझे भी कुछ लोगों को देखकर क्रिमिनल जैसा शक होता है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ती है जो आसानी से कभी नहीं मिलते, और इसीलिए हमें भी कभी कभार उन्हें रंगे हाथ पकड़ने के बाद भी उनके खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण छोड़ देना पड़ता है। वेरी नाइस मीटिंग यू, कैच यू सून। आरडी, ये कमिश्नर इंडिया से यहां क्यों आया है? फिलहाल हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो हमसे हमारा डायमंड चुरा कर ले गई है ना, उसके बारे में सोचो। छे, जस्ट मिस। टक 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 टक। माल, माल, सोडा ड्रिंक लेके आओ। कालू। माल, भले मैं तुम्हें अचानक बुलाया करूं, तुम अचानक मत आया करो। मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हारी बॉडी वाइब्रेट मोड पे क्यों है? तुम टेंशन में हो ना, इसलिए मुझे डर लग रहा है। मैं क्या करूं यार, मैं ठक ठक करके उसको शूट करने जा रहा था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा निशाना चूक गया, मेरा निशाना चूक गया। किसने? और कौन? वो हरामखोर आरडी। मैंने 3D तो सुना है, ये आरडी क्या चीज है? वो धरती का बोझ है। इफ आरडी लिसंस सिंपल ही विल बिकम डेड बॉडी। तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? सोडा डालो। मेरा सर फटा जा रहा है, सर फटा जा रहा है, क्या करूं मैं? अरे अरे, ये सब डाल दिया? अरे बॉटल तो खत्म हो गई, मैं दुकान से ले आऊं? नहीं चाहिए, मुझे नीट पीने की आदत है। मर गया। ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्या था ये, विस्की, रम, ब्रांडी, कोको कोला? ये तेरे साथ ऐसे होना चाहिए, इधर शूट करके फेंक दूंगा। इसी के लायक है, इसी के लायक है तू। आप किस पर चिल्ला रहे हैं जी? मैं अपने आप पे चिल्ला रहा हूँ माल। हे भगवान, अपने आप पर आप ऐसे क्यों चिल्ला तो रहे हैं? मैं क्या करूँ माल, यही हाथ में था ऐसे फट से आया और झट से चला गया। लेके कोई चला गया, 2 करोड़ रुपया चला गया, सब खत्म हो गया। बॉस का फोन है। आरडी बॉस, एक बहुत ही जरूरी डील है, ध्यान से सुनो। बोलो बॉस। तुम इस वक्त ताइवान होटल में पहुंचो, वहां मिस्टर विंसेंट नाम का एक आदमी एक एक्सपेंसिव वेपन ब्रीफकेस में रखकर तुम्हें देगा। उस ब्रीफकेस को तुम संभाल कर ले आना। अरे फिकर मत करो बॉस, जेम्स बॉन्ड की तरह अंदर जाके चुटके से काम निपटा के वापस आ जाऊंगा। डन बॉस। जितना कहा है उतना करो, फालतू की हीरोगिरी करने मत जाना। हां बाय। ए आरडी, मैं तुमसे बड़ा भाई हूँ, एक इंटरनेशनल डॉन हूँ, काम पूरा करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, और वो मेरे अंदर है, कूट कूट के है। सारे फोन रख। किससे डांट खा रहे हो तुम? डांट खा रहा था, उससे डांट रहा था। ओ, किसे? और किसे, उसका भी नहीं, आरडी को। और वो इस तरह मेरा भेजा खाया ना, तो उसके नीचे रख दूंगा आरडी एक्स। आरडी मतलब वो तुम्हारा बॉस है, और आरडीएक्स का मतलब? आरडीएक्स का मतलब है, हाँ, बॉम्ब। बॉम्ब? ठीक है, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। हाँ? सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी ना। अरे नहीं, मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, वहाँ पे बहुत खतरा तो है। क्या हुआ,
आपके होते हुए मुझे कैसा डर। और है ना, मुझे आप फाइटिंग कैसे करते हो वो मुझे देखना है। उंगलियां दबा रही हूँ बस, इतनी जोर से। ठीक है चलो चलते, लेकिन एक शर्त है, गाड़ी मैं चलाऊंगा तुम नहीं। ओके फॉलो मी। तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ। मैं भी आऊंगी। नहीं माल, ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये थाईलैंड है। थोड़ी भी गलती हुई कि गए काम से। अच्छा, तो फिर यहाँ कदम कदम पर खतरा होने पर भी सब खुलेआम घूम रहे हैं। सांप चूहा कुत्ता कॉकरोच सब कुछ खाते हैं लोग, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम चुपचाप यहाँ बैठी रहो, परेशान मत हो, गाना सुनती रहो चाइनीज। ओके मैं आता हूँ। ठीक है। Yes, sir. Where is Mr. Wilson? From his and body. Okay, thank you. Wilson. माला तुम तब से यहीं थी? हाँ बिल्कुल, मैं काफी देर से हूँ। पता है इन्होंने मेरी साड़ी, बाल, चोटी, जेवर सबकी बात आ रही। ठीक है ठीक है, चलो यहाँ से। अरे ये तुम थोड़ी, ये छोड़ना इसको, तू जाना हट। माला तुम यहीं थी क्या? हाँ बाबा, मैं कभी तुम्हारे हुक्म के खिलाफ गई हूँ क्या? मैं कब से यहीं पर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो चलते। ये वो है तो ये मल्लू है, मेरी पेट है, वो बुलेट है, कैसे हो सकता है? कन्वरलाल बोलो। बॉस, एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया बॉस। व्हाट, क्या कह रहे हो? उस दिन नीलामी में डायमंड भी वही ले गई थी बॉस। बॉस मुझे लगता है वो अक्षय कुमार की तरह खिलाड़ी है, सबसे बड़ा खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी। वो खिलाड़ी है और आप अनाड़ी है बॉस। शट अप, मेरे पर्सनल शेड में जो कार है उसे लेकर जाओ। ओके बॉस, ले जाता हूँ बॉस, श्योर बॉस। एलेक्स, व्हाट आर डी? आई थिंक शी इज फॉलोइंग अस, तुम ही इसको हैंडल करो। साला कमीना, पंचुलिटी भी नहीं है, धूप में खड़ो के ऊपर से पीर और नीचे से निकल रहा है। हेलो बॉस। हाय गोविंद। हो गया क्या खाना पानी? इतनी धूप में आने की जरूरत क्या थी, आराम करते घर पे? मजबूरन आना पड़ा, सुबह तूने काम जो बिगाड़ दिया। मैं कुछ करता उससे पहले ही वो अपना काम तमाम करके भाग गई। अगर वो इतनी फास्ट है तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक हफ्ते तक गैराज में खड़ी हुई गाड़ी को अचानक बॉस ने लाने के लिए क्यों बोला? तुझे इसमें बैठाकर ब्लास्ट करने के लिए। बहुत अच्छा, मजाक कर लेते हैं। मैटर बताइए, इस गाड़ी में क्या है पता है? क्या है? इसमें है 100 किलो की कोकीन, जो आज हम इंडिया भेजने वाले हैं। इसकी कीमत है 500 करोड़। कोकीन है? चाबी चाबी शायद कार में। क्या ढूंढ रहे हैं? कार में होगी, देखता हूँ। सूंघने से दिमाग चकरा जाता है। तू क्यों मेरे साथ आ रहा है? कार के पास रुकना था। शुक्र है बम फट गया, लेकिन मैं बच गया। आ?
कौन है? कौन है वो? इतने साल मेहनत करके खड़े किए हुए मेरे साम्राज्य को बर्बाद करने वाली आखिर वो है कौन? उसे ढूंढकर जल्दी से ठिकाने लगाना होगा। जी करता है सारी गोलियां उसके भेजे में उतार दूं। ये इतना आसान नहीं है। अगर तू शेर है तो वो शेरनी। क्या? वो कोई मामूली लेडी नहीं है, ज्वालामुखी है वो। इंडियन गवर्नमेंट का पुराना अनमोल हीरा, उसे पाने का ख्वाब हम देख रहे थे मगर वो हमसे उसे भी उड़ा ले गई। स्टेट पुलिस, नेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस, सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए बिना कोई सुराग छोड़े अपने हर काम को सही अंजाम देती है। हर रोज एक नया रूप, नई भेष ऐसे बदलती है जैसे इंसान नहीं कोई गिरगिट हो। आड़ी, she is the most wanted international thief. Thief? इंटरनेशनल थीफ? इंडिया में रॉबरी करने के लिए प्लान हमने बनाया लेकिन बाजी वो मार ले गई। ठीक है, बिट किए हुए कीमती हीरे को भी एक खिलाड़ी की तरह वो उड़ा कर ले गई। ओके, दैट्स ओके। मोस्ट एक्सपेंसिव वेपन भी हमसे पहले जाकर लेकर चली गई, दैट इज ऑल्सो फाइन। इन सभी कामों के पीछे उसे फायदा हुआ है, लेकिन अब की बार 500 करोड़ की कोकीन से भरी कार को उसने ब्लास्ट क्यों किया? अगर वो चोर है तो वो उस माल को चुराती। अगर उसमें उसका फायदा नहीं था तो मेरा नुकसान भी क्यों किया उसने? रघुवीर सिंह, I have a doubt on the commissioner. वो उसके पीछे पड़ा है या मेरे पीछे पड़ा है? Hey. Being a police officer, power is not ultimate. We have to use our wisdom also. I came here to catch smugglers of fake notes. Unfortunately, most wanted thief is also here. Very clever, huh? Officers, show dekha na. Did you enjoy? Shame. Sharm aani chahiye aap sabko. Iske zimmedar aap log hain. Being a officer, you all should be ashamed for this. एक एरिया से दूसरा एरिया, एक गांव से दूसरे गांव, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आपकी आंखों में धूल झोंकने वाली ये चोर अब बाहरी देश में अपना कारनामा दिखाने जा रही है। ऐसी इंफॉर्मेशन मिली हमें, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। Now we should challenge and you all should be alert on her. हर तरफ सिक्योरिटी टाइट करो, किसी भी हाल में वो बचकर नहीं जानी चाहिए। Luckily, these two are fighting among each other. Let's wait and watch the show. But victory is ours. कांटे को कांटे से ही निकालना चाहिए। Some fish is floating. Time to go. Yes, sir. Move. Move it. इतने साल मेहनत करके खड़े किए हुए मेरे साम्राज्य को बर्बाद करने वाली आखिर वो है कौन? उसे ढूंढकर जल्दी से ठिकाने लगाना होगा। Okay, Ardi. शूटर, शूटर मैन,
सेफ्टी के लिए पीछे रहना ही ठीक है, नहीं तो विकेट डाउन हो जाएगा बॉस। चुप। हे बॉस, कैचर। भागने के लिए कोई जगह भी नहीं है। अब तक मैंने छोटी स्टीयरिंग हाथ ली, इतनी बड़ी स्टीयरिंग की आदत नहीं है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं कहां छुपूं सेफ्टी के लिए? अरे बाप रे। Get the boat. बॉस बॉस बॉस, नहीं बॉस, आप एलेक्स की बॉडी नहीं देख पाएंगे, बॉडी के चिथड़े चिथड़े हो गए। बॉस बॉस, नहीं बॉस, एलेक्स को मारने वाली भी वही लड़की है, वही लड़की है। Don't file any case. Why? This is a murder. No, it's an accident. Okay, sir. उसे मैं ही खत्म करूंगा। माल, माल। अरे बाप रे। माल, मालू, कालू, तुम मुझे बुला रहे थे। तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा दूध वाला है। यहाँ मेरे दूध की दही बन गई है। कुछ नहीं, क्या बोल रही थी तुम? मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा था तो मैं सो रही थी। क्यों, कहीं बाहर गई थी क्या? तुम्हारे बगैर मैं कहाँ जाऊंगी? अरे बेचारी, कितनी अच्छी हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। सच? हांगकांग की चॉकलेट है क्या? इतनी मोटी है फिर भी चॉकलेट। मॉडर्न ड्रेस। शर्माओ मत, तुम जवान हो। नहीं बाबा,
मुझे शर्म आ रही है। कल जब हम दोनों की शादी हो जाएगी उसके बाद गांव घूमने का दिल करेगा, ये ड्रेस पे बाइक पे नहीं बैठ पाओगी, इसलिए इसकी आदत पहले से डाल लो। मुझ पर ये ड्रेस जचेगी क्या? वही देखने के लिए मैं बेचैन हो रहा हूँ, जल्दी करो। बदमाश, ये वही है क्या? वो तो चाइनीज फिल्म के हीरो के ठक 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 करके शूट करती है, सोचता हूँ तो सांसें रुकती हैं। इसके आने से पहले पानी पी लेता हूँ। कालू अच्छी लग रही हूँ ना? ऐसे मत देखो ना, मुझे शर्म आ रही है, जाओ। मैच भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या करूँ मैं? किसकी मैच? नहीं, कुछ नहीं, एक मिनट। डरो मत। इसको पकड़ो, एक मिनट, बस एक फोटो निकालता हूँ तुम्हारा, प्लीज एक मिनट। हाँ, ये क्या हाथ में पकड़ के भजन गा रही हो? ऐसे नहीं पकड़ते, एक मिनट। कैसे पकड़ते हैं इसको? ऐसे ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे 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 पकड़ते हैं। समझ गए, स्माइल नहीं चाहिए, सीरियस। हाँ, फोकस ही नहीं कर पा रहा। क्या हुआ कालू? वन सेकेंड, माल। हाँ कालू। तुम यही खड़ी थी ना? मैं कब से यहीं पर खड़ी हूँ? मैं ही गलत हूँ, तुम वो नहीं हो। कालू, अरे बाप रे, माल इस डॉन कालू को गन दिखा रही हो? ये क्या कालू, गन देने आई तो मेंढक की तरह क्यों उछल पड़े? तुम गन दे रही थी क्या? आओ आओ, रहने दो, मुझे इस गन से डर लग रहा है बाबा। डर लगता है? मैंने उपमा बनाया है, अभी लेकर आती हूँ। ये मेरा वहम है यार्डी, तेरा डायमंड गया, तेरा राइट हैंड भी गया, अब पता नहीं किसका नंबर। हेलो। हाय जो, हाउ आर यू? एक्सेलेंट, रिलैक्स, हैविंग अ ग्रेट ग्रेट फन। जो, हमारे बचपन के दोस्त एलेक्स को उसने मार डाला, ही इज नो मोर विद अस। व्हाट? Now listen to me, Chang. I don't know how the hell you do it, but I want you get that bloody woman who's screwing my brother's happiness, okay? Right in front of me. I want you to get that bloody woman in a small, small pieces. Just do it! Many happy returns of the day. Thank you so much, bro. Love you. Happy birthday, small boss. Hey Joe, तू इतना डल क्यों लग रहा है? नहीं भाई, अपने बर्थडे पार्टी में उस लड़की का सर मैं आपको देना चाहता था भाई,
लेकिन वो धोखा देकर भाग गई। वो छोटी मछली नहीं है, एक बड़ी शार्क है। उसे किस तरह से टारगेट करना है मुझे पता है। तुम पार्टी एंजॉय करो। डेजी भाई, शादी के लिए राजी है बोलकर नाटक कर रही थी मुझसे। दूसरे देश में भागने का प्लान बनाया था इसने। गला काट कर फेंक दूं सोच रहा था मैं, लेकिन वो तुम्हारी जान है इसलिए यहां उठाकर ले आया। लेट्स स्टार्ट द पार्टी। Thanks, dude. बहुत अच्छी थी। Hi. Sorry, bro. I am talking to someone else. Okay, Joe. You carry on with the party. Thanks, thanks, brother. Boss, उनसे कहना। Happy birthday, boss. Boss, hugging me, boss. Nice party. Good party. Dance me, boss. Yes, boss. Okay, boss. Hey. Again, hugging. Okay, boss. Good boss. Brother. Eh? You carry on. I will play with him. Oh, yes, boss. Please, boss. Very nice party, boss. Okay, enjoy yourself, okay? I'll move. Okay, boss. Again, hugging, boss. Khushi mein. Okay, I will just dance karega, ha? Haan, boss. Balle balle dance karunga, boss. Bahut achha natak bhi karta hai. Ye kya hai? Ha? Where cam? Camera? Tu kiske liye kaam karta hai? RD boss ke liye. Jhoot bolta hai. क्या ये? यहाँ पे बाल नहीं आता है बॉस। आरडी बॉस के लिए काम करना, इसलिए बिल्डअप के लिए लगाता हूँ बॉस। फिर से झूठ बोल रहा है। किसके लिए इन्फॉर्मर का काम कर रहा है? मां कसम, मैं किसी और का इन्फॉर्मर नहीं हूँ बॉस। तो फिर ये सब कहां से आया? इस चाइना माल से मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरा यकीन कीजिए। There is a strange lady staying at his house. अबे चिंग चैंग की औलाद, ऐसे वक्त पर हेल्प करने की बजाय तू जले पे नमक छिड़क रहा है। Boss, all these things were given to him by that lady only. मालिनी अय्यर, वो बहुत अच्छी है, उससे मेरी शादी होने वाली, भरोसे वाली है। बोला उस लड़की को यहाँ। बॉस, वो पूरी लड़की नहीं है, फैमिली वाली है। ए, बुला उसे यहाँ। जितना कह रहा हूँ उतना कर। बुला नहीं होगा, फोन दीजिए। नहीं, बुलाता हूँ। अरे, नंबर ही नहीं दिख रहा है। हेलो हेलो माल, कालू माल, बास्केट बॉल, टेनिस बॉल, सभी बॉल बन गया मैं। माल, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस लिया था ना, उसको देखकर कौन सा डिजाइनर है, किसने बनाया है, मुझसे बार बार पूछ रहे, इसलिए मैंने खुश होकर के वो मालनी अय्यर ऐसा बोल दिया, सब तुमसे अर्जेंट मिलना चाहते हैं। सच में? हाँ, आ रही हो ना? कालू, डबल ओके। कार भेज रहा हूँ, जल्दी आना। आ रही हूँ। ओके ओके। Thank you.
ये कोई दूसरी आइडिया है। झूठ है बॉस, किसी को भी शूट क्यों कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए बॉस। वो झूठ है। नहीं बॉस नहीं, ये चाइना वाले साले बोला ना। इज इट हर? ए स्टॉप प्लीज सर, प्लीज 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 प्लीज। गोविंद, अरे तेरी तो, तू कौन है? मैं मालिनी अय्यर हूँ, भूल गए क्या? ए, मालिनी अय्यर कोई और है, तू कोई और ही है। उसने मुझे बंद करके रखा था। बंद करके रखा था? हाँ। कौन? ये देखो जरा, मैं तुम और तुम्हारी दादी, दादी ने मुझे ये भेजा है, मैं ही तुम्हारी असली मालिनी अय्यर हूँ। बॉस, माय ओरिजिनल मालिनी अय्यर, वो डुप्लीकेट है। हेलो। हाय जो, बैड बर्थडे। हु द हेल इज दिस? तू अपने भाई को कुछ तोहफा देने वाला था ना, याद नहीं आ रहा है? hey, hey. Hey, ज्यादा चिल्ला मत, मैं तेरे सामने वाली बिल्डिंग में ही हूँ। अगर हिम्मत है तो सामना कर। किस बिल्डिंग में है? यहाँ सामने तो चार पांच बिल्डिंग है, तू कौन से बिल्डिंग में है? अगर तुझ में कुछ करने का जुनून होगा तो तू मुझ तक जरूर पहुँचेगा। वो सामने की बिल्डिंग में है, शूटर। पाया। ऊपर ऊपर ऊपर। ए चल जल्दी से, हम लोग कल्टी होते हैं, चल। Okay.
जैसी तू ज्वाला की जैसी तू जला दे जालिम को तू बदले की आग से सच तेरे साथ है विजय तू होगी तू इस युद्ध में ये तू जान लड़ा बदला लेना तुझको उनसे उसने उजाला घर को दे दे मिटा दे जला दे आज तू कर दे उनका संहार हे ब्रो, अभी तक तुम्हारी पार्टी खत्म नहीं हुई क्या? अरे बेवकूफ, तुम्हारी दी गई पार्टी कब की खत्म हो गई? अब तो मेरी तरफ से पार्टी शुरू होगी। ए, ए, उसका मोबाइल तेरे पास कैसे आया? उसका मोबाइल कहाँ पर मिला, कैसे मिला, ये सब बातें बंद कर तू। उसकी मौत कैसे होगी ये पूछ। इंटरेस्टिंग है। ए, ए, लिसन, लिसन, लिसन टू मी। उसे कुछ मत करना। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। जो मासूम है। हाँ? मासूम है? मासूम है इसलिए अब तक इतने मासूमों को मारा इसने, तो आज इस मासूम की जान मैं लूंगी। हैं? ए, ए, लिसन, वो मेरा एक ही भाई है, प्लीज उससे कुछ मत करना, वो मेरी जान है। मतलब दूसरों की जान की तुम्हें कोई परवाह नहीं? ए, कौन है, कौन है तू, कौन है तू? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो मेरे पीछे पड़ी है? आखिर मुझसे क्या दुश्मनी है? तुमसे मेरी दुश्मनी 20 साल पुरानी है आरडी उर्फ रामदास। कबड्डी 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 कबड्डी। जिसे बकरी समझा वो तो शेरनी निकली। बेटा छोड़ना नहीं संभल कर। ये पैसे मैं श्याम भाई को जाकर दे दूंगा, तो मेरी बेटी की शादी हो गई समझो। सर, आपके पैसे पड़े हैं। मेरे पैसे यहाँ कैसे गिर गए? अरे काम हो गया, भागो रे, भागो, भागो, अरे रे, मेरे पैसे, चोर, चोर, पुलिस, भाग जल्दी, पकड़ो, पकड़ो, अरे पुलिस आ गई, पुलिस पीछे पड़ी है जल्दी, अरे भागो, खेलो, खेलो, बाल लगेगी, अभी भी पेंडिंग है। शर्म नहीं आती? इतने दिनों में एक केस भी कभी सॉल्व किया है? हा? सर, मेरा भी केस फाइल हुआ है। थैंक यू। 173। तो इस पुलिस स्टेशन में आकर ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं किसी कबाड़ खाने में आया हूं। पता है क्यों? बाहर जाकर देखो किस तरह बाइक साइकिलें पड़ी हैं। ए, इसी वक्त जाकर वहां बाहर खड़ी गाड़ियों, इसे तू अपना सरकारी प्राइमरी स्कूल समझ कर आया है क्या? सर ये बैग। सर सर सर, ये बैग मेरा ही है सर। ये बैग चोरी होने की वजह से कंप्लेन लिखाई थी सर। इसमें 40,000 रुपए हैं। ए, चेक करो। बताओ ये बैग तुम्हें कहां से मिला? किसी ने दिया। किसी ने दिया? अरे भाग जल्दी, जल्दी कर, भाग, भाग, अरे बाप रे, मर गए, जल्दी। ए श्याम, इधर आ बे। ए, ये बैग अपने पास रख ले, शाम को ग्राउंड में आकर ले लूंगा। मैं नहीं रखूंगा। क्यों? मेरी दीदी चिल्लाएगी। ये बैग लेगा तो दीदी चिल्लाएगी, और अगर नहीं लिया तो मैं तुझे मारूंगा। चल पकड़। क्या हुआ सर, मेरे भाई को आप यहाँ क्यों लेकर आए? मैं खुद ही आया हूँ दीदी। सर, मेरी दीदी। गुड, आज तुम्हारे भाई ने बहुत अच्छा काम किया है।
कहाँ रहते? रेलवे ट्रैक के पास झोपड़पट्टी है ना, वहाँ मैं और मेरा भाई हम दोनों, हमारा और कोई नहीं है सर। ए बेटा इधर आ, ये ले, ख्याल रखना। श्याम रुक। नहीं सर, किसी की मदद करने पर उससे कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उस मदद की कीमत भी नहीं चुकानी चाहिए। Good. चलते हैं सर। चलो श्याम, स्कूल के लिए देर हो रही है। ए बेटा, ए। इन बच्चों में जो नेकी और ईमानदारी है वो हर किसी में होती, तो इस दुनिया में चोरी लूटमार धोखेबाजी कुछ नहीं होती। कम से कम आज इस 173वें केस को सॉल्व करते हैं। टीवी टीवी करके इतनी देर तक तूने बिठाया, अब देख कॉलोनी का कोई भी बच्चा नहीं है, सब घर चले गए। फिक्र मत करो दीदी, हम लोग रोज इसी रास्ते से जाते हैं। दीदी, कुमार के घर वाले टीवी लेने वाले हैं, हम आगे से वहीं पर टीवी देखेंगे। शाम को मैदान में बैग लेने आऊंगा कहा तो भी तूने पुलिस स्टेशन में जाकर बैग दे दिया, इतनी हिम्मत आ गई है तुझमें? खुद को बहुत शाना समझता है तू। हाँ, इसके जितनी अकल भी तुम में नहीं है, ये कहकर इंस्पेक्टर ने जूते से मारा। ए, क्या रहा, दुनिया को बताएगा? हाँ? दीदी! ए, छोटे भाई पर हाथ उठाने से बहन को बहुत गुस्सा आता है, उस दिन कबड्डी के खेल में देखा, आज कबड्डी क्या है ये से बताते हैं, बांधो इसे यहाँ। श्याम, नहीं श्याम, तू भाग जा यहाँ से, ये सब मिलकर तुझे सताएंगे। आजा, आजा, और शाड़ा बनता है। भाग जा श्याम, छोड़ दो उसे, बल्कि तो मेरे साथ खेलो। इसको बता दिया था, आजा। और तो मेरे भाई को। सर, मत मारिए सर। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, याद आया, हर इंसान इतनी बड़ी दुनिया में खुद को अकेला समझता होगा, लेकिन मेरे लिए ये पूरी दुनिया मेरा भाई था। मैं तो बस शरीर हूँ, मगर वो मेरी आत्मा था। उसे दर्द होता तो मेरी आंखों से आंसू निकलते, उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखों में खून उतरता। जो मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ था, मेरे उस भाई को तड़पा तड़पा कर बड़ी बेरहमी से तुम लोगों ने मार डाला। आज भी उसकी यादें मेरे दिल में है, उसकी पुकार मेरे कानों में गूंज रही है और चेहरा मेरी आंखों के सामने। ए, ए, देख तू मेरे भाई को कुछ मत कर। जो होना था वो हो गया, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, मेरे भाई को कुछ मत कर, I beg you, please। अब तो भगवान भी इसकी मौत को नहीं रोक सकता। नहीं, कुछ मत करना उसे, कुछ मत करना। बदला लेना तुझको है उन पापी से, जिसने उजाड़ा घर को, दे दे तू मिटा दे, तू जला दे, आज कर दे तू संहार, कर ले तू आज पूरा।
दे आज तू कर दे उनका संहार। Hey, remove the glass. मेरे पैसों का क्या हुआ आरडी? फोन रख कुत्ते। प्रूव्ड मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारे दुश्मन देखे हैं। यू आर डिफरेंट, तूने साबित कर दिया, इसलिए आई कांट फेस यू एनीमोर। एक जंगल में दो शेर नहीं होने चाहिए, शेर से शेरनी में ज्यादा ताकत है, ये बात तूने साबित करके दिखा दी। हार क्यों होती है ये मैंने तुमसे जाना। एनीवेज आई एम डिफीटेड। मुझे यहां बुलाने का मकसद क्या है? मैं तुमसे सामना नहीं कर सकता। मैं ताकत का इस्तेमाल करता हूं तो तुम ताकत के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करती हो। मर्द की ताकत से बढ़कर औरत की सोच होती है, ये तुमने दिखा दिया। मेरे साम्राज्य को तहस नहस करके तुमने इसका नामो निशान मिटा दिया, और उससे भी ज्यादा जो मेरे लिए अजीज था, मेरे उस भाई जो को तुमने मार डाला। ऑफकोर्स तुम्हारे भाई को मैंने मारा, इसलिए तुमने भी मेरे भाई को मार डाला। सो देयर एंड्स द होल इश्यू नाउ। यू टेल मी, वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग। Are you ready? I am ready. 60 मेरा, 40 तुम्हारा। 60 मेरा, 40 तुम्हारा। You see, तुम्हारी लाइफ सेफ होगी, मेरी लाइफ रिस्क में होगी। Think it twice. Done. There's a deal. What deal? हजारों करोड़ रुपए प्रिंट करने वाली मशीनों को हमने इंडिया के कारवार हार्बर तक तो पहुंचा दिया है। अब तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वहाँ की हाई सिक्योरिटी को चकमा देकर बेंगलोर में मेरे बताए हुए जगह पर पहुँचाना होगा। इस डील को पूरा करने पर हमें 300 करोड़ का फायदा होगा। रिस्क लोगी क्या? Of course, no doubt. We are getting 300 crores, Indian original currency. उसमें से 180 crores मेरे होंगे, 120 crores तुम्हारे।
Hey, Home Minister, तूने सही वक्त पर फोन किया। तेरा माल आ गया, अब आगे से तो ही मुख्यमंत्री बनेगा। चंद्रकांत शिंदे, तेरे पैसे आ गए। और मेरे पैसे? कैसे पैसे? 60%, 180 crores। कौन से 60%? कौन से 180 करोड़? आरडी। इंडियन इंटरपोल की द मोस्ट वांटेड लेडी डॉन वीरा डायना एलिजाबेथ। बाप रे बाप, 3 ही हफ्ते में मेरे सारे बिजनेस पर, मेरे दोस्त पर, मेरे भाई पर मौत की मुहर लगा दी। और तो और, मुझे भी अपने पैरों पर गिरने पर मजबूर किया। तुम जैसे को सिर्फ 60% देकर आई वॉन्ट बी हैप्पी। ए बेवकूफ, अगर शेर 10 कदम पीछे की ओर चला जाता है तो उसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो डर गया। अपने पंजों को खोलकर शिकार के लिए तैयार हो रहा है, इसका ये मतलब है। ए! इसको इसका हिस्सा चाहिए। इसे ऐसी मौत दो कि मौत भी कांप उठे। हे, ये बेचारी बहुत थक गई है, इसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दो। एक दो इसे खाई में। I'm sorry. I have sent the original formula machines all with the other machines. I will not share this information with anybody else. Trust me. Oh shit. I'll manage. Kill this idiot. Wo formula mujhe chahiye. Land fast. पंगा लेने का अंजाम देख लिया ना, तुम में से कोई नहीं बचेगा। पूरे 300 करोड़ का नुकसान किया है उस वीरा ने मेरा। मुझसे जो धोखा करता है वो जिंदा नहीं बचता। उसकी लाश खाई में तैर रही होगी। विद इन अ सेकंड मैं तुझे भी मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुझे एक दिन और जीना होगा। मेरे बारे में, उस वीरा के बारे में तू सब कुछ जानता है।
किसी तरह 24 घंटे के अंदर उस कंटेनर को किसी भी तरह ढूंढ कर मेरे हवाले कर। वैसे सबकी तकदीर ऊपर वाला लिखता है, लेकिन तुम सबकी तकदीर आज मैं लिखूंगा और इसे कोई बदल नहीं पाएगा। हे कमिश्नर, मेरा काम नहीं किया तो क्या होगा पता है ना? इस पूरे शहर में मैं ऑडियंस बिछा दूंगा। 24 घंटे से ऊपर अगर एक सेकंड भी पढ़ा तो पूरा शहर शमशान में बदल जाएगा। ए, हिम्मत है तो बचा ले। बाय, जल्दी लेकर आना, चलो। कुल मिलाकर कितने लोग मारे गए भाई? 5। ये सिलसिला जल्द खत्म होना चाहिए। शुक्र है मेरी कुर्सी भी बच गई और पार्टी भी। और कितने दिन चाहिए तुम्हें? वो जो टाइम दे रहा है उससे 10 मिनट पहले ही हर जगह ब्लास्ट किए जा रहा है। इलेक्शन भी नजदीक आ रहा है, वो जो कुछ भी मांग रहा है उसे जल्दी से देकर कहानी खत्म करो। भगवान के लिए हमारी पार्टी का नाम बचाओ मेरे भाई, जल्दी कुछ करो। विद फुल फोर्स सर, आप देखते रहिए। बट क्या? यू डोंट वरी सर, आई विल गेट हिम। थैंक यू सर। कमिश्नर, तुम्हारे ऊपर कौन सी पदवी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुमने जल्दी से मेरा ये काम कर दिया ना तो सबसे ऊपर की पदवी पर तुम्हें बिठाकर इस शहर में तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हारे कदमों में होगा। उसे जो कुछ भी चाहिए वो ढूंढ कर दे दो ना यार। हेलो, किरण ने जानबूझकर खून नहीं किया। ये जानते हुए भी पुलिस वालों के बयान के अनुसार किरण ने जो किया वो कानून की नजर में एक महा अपराध है, इसलिए तमाम गवाह और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अपराधी किरण को आईपीसी सेक्शन 309 के तहत 7 साल की सजा सुनाते हुए बाल अपराधी कालगृह में भेजने का आदेश देती है। अपराधी किरण का कोई भी रिश्तेदार ना होने के कारण सजा खत्म होने पर इसे सरकार द्वारा आवश्यक सहूलियत दी जाएगी, ये इस अदालत का फैसला है। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इस लड़की की परवरिश मैं करूंगा, मेरी अदालत से दरख्वास्त है, इसकी अनुमति दीजिए। आशा किरण, कोर्ट इज अर्जेंट। हे आशा किरण, सात साल की सजा मिली है, सोचकर दुखी मत होना। 7 साल, इन्हें तुम अपना एक इम्तिहान समझना। किरण, मेरे साथ कदम आगे बढ़ाओ, तुम्हारे अंदर जुनून है, हिम्मत है, तुम्हारी आंखों में अंगारे हैं। आज के बाद हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। खुशियां मन में उमंगे दी जगा। अरे अरे किरण, देखो अच्छे बच्चों की तरह मन लगा के पढ़ना, ओके? फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ले जाइए इसे। लड़ना तुझे है हालात से, दिल में तो रखना जज्बा। बॉडी मिल गई है। लड़ना तुझे है हालात से, आशा आशा किरण, तू ही जीने की आशा। हो से लड़के आई तू, बन के उजाला छाई तू, नई रोशनी है तू, नई सुबह लाई खुशियां, खुशियां मन में उमंगे दी जगा। सर, हमने हर जगह तलाश करके देख लिया, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण लगता है बॉडी बहकर कहीं चली गई है। सॉरी सर। फरिश्ता, फरिश्ता, फरिश्ता,
दिल में तो रखना जज्बात ये, लड़ना तुझे है हालात से। दिल में तो रखना जज्बात ये, लड़ना तुझे है हालात से। आशा आशा किरण, आशा किरण हस्ती जुदा है तेरी सबसे, माने ना हार तू हार से, करना है मकसद पूरा। ये आसमां है छूना, टूटे न तेरा ये हौसला, बदले न तेरा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम लोग जाओ। आओ भाई कमिश्नर आओ, तुम्हें फोन करने को सोच ही रहा था। क्या हुआ, सर झुकाकर क्यों खड़े हो भाई? सर आपका कहना सही है, एक इंसान को सुकून के साथ जिंदगी जीने के लिए रोज रोज मरने के बजाय एक ही दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, जिंदगी सुकून से बीते ये ज्यादा जरूरी है। फिर उस दिन तो आप ही ने कहा था ना, ये कलयुग चल रहा है, धोखा दगा विश्वासघात इन्हीं का वक्त चल रहा है। बी पॉजिटिव नहीं बी नेगेटिव। अगर हमें जीना है तो सर झुकाना भी आना चाहिए और सर कलम करना भी, फिर चाहे किसी और का घर जलता है तो जले, लेकिन अपना घर सुरक्षित रहना चाहिए। घूम फिर कर हमारे रास्ते पर ही आ गए। देखो भाई किरण कौन है क्या है, हाँ तुमने उसे पढ़ाया, उसकी परवरिश की, उसे बहुत बड़ा ऑफिसर बनाया, ये सब गुजरी हुई बातें हैं। वो तुम्हारी अपनी बेटी तो नहीं है ना, हाँ? अब देखो वो देश देश करते गई, क्या हुआ, सत्यानाश हो गया, खत्म। सुन कमिश्नर, आज के बाद जनता की तरफ हाथ बढ़ाने के बजाय मेरा साथ दो। सरकारी तनख्वाह पर काम करना ही बेकार है, किसानों की तरह हल चलाने के बराबर है, उनकी मेहनत का उन्हें भी फल नहीं मिला है और ना ही तुम जैसों को न्याय मिला है, इसीलिए अन्याय के रास्ते की तरफ कदम बढ़ाओ। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है सर, वो आरडी को जो चाहिए वो फेक नोट्स, सारे प्रिंटिंग मशीन, वो सब कहाँ है ये मुझे पता है सर। पता है कहाँ है जल्दी से बताना मेरे भाई। मैं तो भूल ही गया था, अब ये हमारे पक्ष में आ गया है ना। पैसा है तो दोस्ती है। 5 करोड़ रुपए दूंगा। काफी नहीं है। इतना काफी नहीं है? शेर के मुंह खून लग जाए तो वो शांत रहेगा क्या? 10 करोड़ रुपए दूंगा। क्या सर? अच्छा ठीक है भाई, 15 करोड़ कैश। डन। बनवारी, पैसों से बढ़कर कुछ भी नहीं, ये बात 100% सही है। एक ईमानदार कमिश्नर को कमीशन एजेंट बना के रख दिया। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके 15 करोड़ रुपए जो हैं, कल सुबह आपकी आंख खुलने से पहले ही आपके घर में पहुंच जाएंगे। शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर हॉस्कोट के पास नंदगुड़ी नाम की जगह पे रखा है। हेलो आरडी, हैप्पी न्यूज। तुम्हारा प्लान था ना शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करने का, उसे भूल जाओ। वो कंटेनर कहाँ पर रखा हुआ है कमिश्नर ने मुझे बता दिया। इतने दिनों तक न्याय नीति निष्ठा के गुण गाने वाला कानून का ईमानदार नौकर आज मेरे पैरों पर गिरकर मेरे गुण गा रहा है, अब वो मेरा आदमी हो गया। शाबाश। अब वो कंटेनर कहाँ है? नंदगुड़ी। ए, नंदगुड़ी चलो। तुम अभी तक जिंदा हो? किरण, किरण, अच्छा,
पापियों का खात्मा करके अन्याय को जड़ से मिटाने से पहले न्याय की देवी मरती नहीं, तुझे और आरडी को रंगे हाथ पकड़कर अंदर करवाना था, इसीलिए हमने ये नाटक रचा। सर बहुत ही सॉलिड लगा आपका ड्रामा, हमारे गांव में जो रामलीला या नाटक वगैरह होता था ना, उससे भी ज्यादा सॉलिड था। धोखा, धोखा। कौन है धोखा? तो खुद धोखा है। राजा जो होता है, राज्य जो होता है, राज्य चलाना जो होता है, वो जनता की सेवा के लिए होता है, उनसे अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं। आज भी ऐसे कितने गांव में बिजली बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर से लेकर उसके आसपास के चप्पे चप्पे तक दिन रात बिजली है। कितने ऐसे गांव में बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, लेकिन तुम जैसों के बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चे देश की रक्षा करने वाले सैनिक बनते हैं, और तुम जैसे नेताओं के बच्चे देश को लूटने वाले राजनेता। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं, सर पर छत नहीं। ऐसे लोगों को छत देना तो दूर की बात है, तुमने तो जिनके घर थे उनके घर छीनकर, कितने लोगों के मुंह का निवाला छीनकर सिर्फ अपना पेट भरा। तपती धूप भी शीतल हो जाती है, आंधी तूफान भी थम जाता है, बंजर जमीन भी अनाज पैदा करती है, बदकिस्मत भी किस्मत वाला बनता है, झूठा इंसान भी सच्चा बनता है, और चोर भी महात्मा बन सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बाजारू औरत भी पतिव्रता बनती है, लेकिन भ्रष्टाचार की निष्ठा से रक्षा करने वाले तुम जैसे नीच नेता लोग कभी नहीं बदलते। लेकिन एक बात जान लो, भारत माता की गोद से पलकर देश प्रेम की ज्योत दिल में जगाए हुए मुझ जैसे ऐसे बहुत से देश प्रेमी हैं, आज नहीं तो कल वो इस देश की बागडोर अपने हाथ में जरूर लेंगे। आचार विचार संस्कार संस्कृति हर बात में प्रसिद्धि पाने वाला ये देश एक दिन तुझ जैसी गंदगी को मिटाकर आसमान की बुलंदी छुएगा। अगर अपने ही घर को लूटते रहेंगे और रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो इस देश की गरीबी कभी नहीं मिटेगी। लेकिन मरते दम तक इस डिपार्टमेंट में हम जैसे ईमानदार ऑफिसर्स चुप नहीं बैठेंगे। तेरे जैसे लुच्चे लफंगे थर्ड क्लास चीफ रेटेड बहुत है मंत्री लोग, अपने पापों को याद करते हुए सलाखों के पीछे रो रो कर अपनी सजा का पल पल गिन रहे हैं। तू भी जाकर शामिल हो जा। टेक हिम टू कस्टडी। Make it fast! मौत के मुंह से बचकर आई है मतलब ये कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन आज मैं तुझे अपने हाथों से मारकर यहां तेरी समाधि बनाऊंगा। खत्म कर दो इसे।
उठाओ। एक ही राज्य, एक ही देश, एक ही गांव, एक ही बस्ती में पलने के बाद भी हम दोनों में कितना अंतर है। हमेशा स्लम नाम के कीचड़ में सिर्फ तेरे जैसे कांटे नहीं पैदा होते, मेरे जैसे कमल भी पैदा होते हैं। मेरा जीवन जो है, धर्म जो है, कर्तव्य जो है, मेरी खुशी जो है, मेरा ये देश है, और मैं अपनी आखिरी सांस तक भी अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए लड़ती रहूंगी। ये एहसास तुझ में नहीं है। जो अपनी माँ को नहीं पहचानता उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। तू जैसे राक्षस के तो टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। गरीब के घर पैदा होना ये हमारी गलती नहीं, लेकिन गरीब की मौत मरना ये हमारी गलती है। लेकिन अपनी गरीबी को मिटाने के लिए देश को लूटोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। आज तुझे ऐसी मौत मारूंगी कि तू जैसा आदमी पैदा नहीं होगा। Have a nice death। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गुप्तचर विभाग की ऑफिसर वीरा देवी ने शहर में जाली नोटों का व्यवसाय करने वाले शैतानों का खात्मा कर दिया है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाली नोट चलाने वाले इस गिरोह में गृह मंत्री भी शामिल हैं, और जो भी लोग इस काले कारोबार में शामिल थे उन्हें भी धर दबोच लिया गया है। ऑफिसर वीरा देवी की वजह से राज्य भर में खुशियां वापस लौट आई हैं। पूरा राज्य वीरा देवी को सलाम करता है। हमारे देश की कई महिलाओं ने इतिहास रचा है, और अब इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम भी शामिल हो गया है। किरण, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर।
Hi, Dad. Where are you? In my car. USA. Good. You're all right, na? Yes, Dad. Operation Diamond Racket 101 mission par. Whichever mission you are in, take care of yourself better. Oh, come on, Dad. देश को तुम्हारी जरूरत है। I'm there always. Bye.